राजग में खटपट की गुत्थी सुलझाने के क्रम में शिवसेना को मनाने में जुटी भाजपा की राह बिहार में अब आसान नहीं होगी। गुरुवार को सहयोगी दलों के भोज से पूर्व लोक जनशक्ति पार्टी का 7 सीटों पर दावा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की भोज से बनाई दूरी और जेडीयू के पुराने फॉर्मूले का राग इसी ओर इशारा कर रहा है। भाजपा के लिए मुश्किल ये है कि आगामी लोकसभा चुनाव में उसके पास जेडीयू को देने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को डर है कि जेडीयू को साधने के चक्कर में भाजपा उनकी सीटों की संख्या घटा सकती है। दरअसल बीते लोकसभा में जेडीयू राजग में नहीं थी, उस दौरान भाजपा 30, लोक जनशक्ति पार्टी 7 और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। राजग को कुल 31 सीटें हासिल हुई थी। भाजपा के लिए मुश्किल ये है कि ना तो वो खुद और ना ही दोनों सहयोगी जीती सीटों से कम पर मानने को तैयार हैं। पार्टी की ओर से दबाव बनाने से पहले लोक जनशक्ति पार्टी ने जहां 7 सीटों पर दावा जताया था, तो वहीं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने संदेश दिया कि इस बार वो 3 सीटों पर नहीं मानेगी। जाहिर तौर पर इस हालात में अगर तीनों दल अपनी जीती सीटों पर भी मान गए तो जेडीयू को लड़ने के लिए महज 9 सीटें ही मिलेंगी। इनमें से ज्यादातर ऐसी सीटें हैं जहां राष्ट्रीय जनता दल का व्यापक प्रभाव है। इस मामले में बिहार में भाजपा 2 धड़ों में बंट गई है। एक तरफ डिप्टी सीएम सुशील मोदी खेमा लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए जेडीयू के लिए त्याग करने की सलाह दे रहा है, जबकि मोदी विरोधी धड़ का कहना है कि नीतीश को ज्यादा भाव देना ठीक नहीं। दूसरी तरफ मोदी विरोधी एक नेता ने कहा कि इस समय नीतीश के पास कोई चारा नहीं है, जेडीयू राजद की दोस्ती असंभव है। फिर भी अगर नीतीश ने राजग से हटने का निर्णय लिया तो लड़ाई त्रिकोणात्मक होगी और इसका सबसे ज्यादा अधिक फायदा भाजपा को होगा। वहीं भाजपा कील रणनीति चुनाव से ठीक पहले सीटों का पत्ता खोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि दलित मुद्दे पर घिरी पार्टी किसी भी सूरत में पासवान से बैर मोल लेना नहीं चाहती। इसके अलावा अरसे से नाराज चल रहे कुशवाहा को भी पार्टी अपनी ओर से राजग छोड़ने का बहाना नहीं देना चाहती है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टुडे।